हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को भाई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बिल्कुल नया लॉन्च कलर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये है मद्रास रेड। ये जो है बिल्कुल बेस वेरिएंट है क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का, नया वाला शेप है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर आप लोगों को न्यू फीचर जो है और न्यू कलर जो है वो देखने को मिलने लग गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा इस बाइक के बारे में, क्या क्या प्राइसिंग रहने वाली है, उन सब की चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर उसको प्लीज कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले तो आप लोग भाई लुक देख लो भाई की, काफी जबरदस्त लग रहा है भाई ये वाला कलर। जितने भी कलर है ना, 7 कलर आए हैं इसके अंदर, 7ों में मेरे को तो पर्सनल सबसे बढ़िया भाई ये वाला कलर लग रहा है, ये और इसका ब्लू कलर। हालांकि ये बिल्कुल बेस वेरिएंट रहेंगे, यहाँ पे देखने के बाद आप लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि ये बेस वेरिएंट है, ठीक है? वो आप लोगों को बताऊंगा कि बेस वेरिएंट वाली चीज आप लोगों को कैसे फील होगी, लेकिन बेस वेरिएंट वाली ना हम लोगों को फीलिंग ही नहीं आएगी इस वाली बाइक को देखने के बाद। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें जो फ्रंट टायर है वो आप लोगों को इसके अंदर 19 इंच का देखने को मिलेगा, 19 इंच का फ्रंट टायर मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को ट्यूब टायर मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 300mm की काफी बड़ी जिसमें डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आप लोगों को बाइब्री की जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ये जिसके सस्पेंशन आप लोग देख पा रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मेटल आप लोगों को बंडगार्ड मिलेगा इस बाइक के अंदर। आप लोगों को 90-95% जो बॉडी है वो आप लोगों को मेटल पार्ट्स में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्लास्टिक का जो यूज इस बाइक के अंदर नाम मात्र किया गया है, एक दो जगह आप लोगों को मुश्किल से देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी कलर आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा शाइन मार रहा है, काफी चमचमाता हुआ कलर है, बढ़िया लग रहा है वाला कलर भी देखने में, ठीक है? काफी बढ़िया लग रहा है वाला कलर। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक मेटल मडगार्ड मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप लोगों को मिलेंगे, एक फुल LED हेडलाइट आप लोगों को यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाएगी। जो हेडलाइट रहने वाली है वो फुल LED आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसमें आप लोगों को क्रोम जो है यहाँ पे आप लोगों को इसके रिंग पे देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को हेडलाइट कैप भी क्रोम देखने को मिलेगी। इसके बाद ये आप लोग जो पायलट बल्ब देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को LED में देखने को मिलेंगे, और इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो ये भी आप लोगों को इसमें जो क्रोम है वो देखने को मिलेंगे, एंड ये आप लोगों को बल्ब वाले देखने को मिलेंगे, LED ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? सामने की तरफ आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने का जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। तो ये है इस बाइक की ओवरऑल फ्रंट से लुक, ध्यान से देख लो, काफी बढ़िया जो कलर है वाला लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो साइड मिरर्स मिलेंगे उसके अंदर क्रोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, तो एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मिलेगा आप लोगों को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि सेमी डिजिटल आप लोगों को देखने को मिलेगा, 160 की टॉप स्पीड मिलेगी। बाकी इसके अंदर आप लोगों को न्यूट्रल की और बैटरी की ABS की जो इंडिकेशंस है वो आप लोगों को शो करेगा। इसके मीटर में आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल गेज मिलेगा डिजिटली, ट्रिप दिखाएगा, गियर दिखाएगा और किलोमीटर आप लोगों को दिखाएगा। चाबी की बात करें तो कुछ इस तरीके की जो की है इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एंड आप लोगों को ये जो क्रोम हैंडल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। रोटरी वाले स्विचेस मिलेंगे, ये जो स्विचेस है जल्दी से खराब नहीं होते हैं, बहुत प्रीमियम स्विचेस यहाँ पे यूज कर रहा है रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे आप लोगों से ये किल स्विच मिलेगा और ये इसका सेल्फ का स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 13.5 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों की जो लाइन है ये हैंडमेड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि रॉयल एनफील्ड की पहचान है ज़्यादातर इसकी, यही आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी टैंक पैड आप लोगों को दोनों साइड में जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड के जो लोगो है वो किंग वाला काफ़ी प्रीमियम लोगो माना जाता है, जो कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 के अंदर आता है, वो वाला लोगो आप लोगों को यहाँ पे अब दे दिया गया है। बाकी जो लेग गार्ड आप लोग देख पा रहे हैं ये इसका एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है जो कि इसमें लगाया हुआ है डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे अगर बात करो आप लोगों से इसके इंजन की, तो क्रोम इंजन, क्रोम बैंड पाइप और क्रोम साइलेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। 349cc का यहाँ पे इंजन आप लोगों को मिलता है, जो 20.1 BHP की पावर निकालता है, 27 Nm ऑफ टॉर्क, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड का काफी प्रीमियम इंजन है यहाँ पे, ये काफी लेस वाइब्रेशन के साथ आप लोगों को मिलता है, ड्यूअल चेसिस स्प्लिट चेसिस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये जो पार्ट है ये सब आप लोगों को मेटल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे आप लोगों को क्लासिक 350 जो देखने को मिल जाएगा। 350cc की बाइक है तो 350 की यहाँ पे आप लोगों को ब्रांडिंग मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को बेज कलर की जो सीट्स है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ब्राउन बेज कलर में आप लोगों को सीट मिलेगी, ये आप लोगों को इसमें पकड़ने के लिए, बाकी आप लोगों को बैकरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और बात करते हैं इसके रियर पोर्शन के बारे में, तो यार यहाँ पे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड जो है वो आप लोगों को गोल्डन कलर में देखने को आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, नंबर प्लेट लगाने यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट मिल जाएगी, और बल्ब वाले इंडिकेटर आप लोगों को क्रोम में देखने को मिलेंगे। ये है इसकी ओवरऑल बात सारी, ठीक है? और ये बात करते हैं इसके रियर टायर के बारे में, एक पीछे वाला टायर और सस्पेंशन रह गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएंगे पीछे, और 120/80/18 का आप लोगों को रियर टायर देखने को मिलेगा, ट्यूब टायर विद स्पोक व्हील्स। बाकी यहाँ पे आप लोगों को पीछे भी जो इसमें बाइबेरी की डिस्क है वो देखने को मिलेगी, 280mm की, और इस बाइक के अंदर आप लोगों को ड्यूअल डिस्क विद ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। ये है इस बाइक की ओवरऑल सारी बातें। बाकी पीछे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को साइड गार्ड देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस बाइक की माइलेज की, तो बहुत ही प्यार से आप लोगों को 30-40 के बीच में जो माइलेज है वाली बाइक आप लोगों को दे देगी। बाकी माइलेज डिपेंड करती है आप लोगों के चलाने की स्किल्स के ऊपर, किस तरीके से आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं। काफी अच्छी बाइक है और काफी अच्छे आप लोगों को इसमें जो रिव्यूज है वो आते हैं, काफी बढ़िया है। बाकी जो इस बाइक की डायमेंशन आप लोगों की स्किन्स पे
की आ रही है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,26,890 रुपये जो है इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में। ये थी इस बाइक के बारे में ओवरऑल सारी डिटेल, सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये लेनी है तो 1 वीक की जो इसमें वेटिंग है वो चल रही है, आप लोग इसको ले सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।